जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं JBL की तरफ से आने वाला इंड्योरेंस रन BT वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन के बारे में, जो कि मिलता है हम लोगों को विथ माइक। तो दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेश और ये है द गैजेट थेरेपी यूट्यूब चैनल। तो बहुत टाइम वेस्ट हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रो। तो कुछ इस तरह का ये बॉक्स मिलता है, अनबॉक्सिंग में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो हम लोग आगे बात करेंगे। तो जल्दी से बॉक्स ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देख पाएंगे ये ब्लैक और ग्रीन कलर वाला है, इसमें कई सारे कलर्स अवेलेबल हैं। इसमें इसे पहले साइड में रखते हैं। उसके साथ हम लोग को Type-A2 microUSB चार्जिंग केबल देखने को मिलता है और दो एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिलती है और यूजर मैनुअल। तो USB केबल काफी अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ईयरफोन की डिजाइन देखेंगे तो थोड़ी अलग है, लेकिन ये काफी अच्छी डिजाइन हम लोग को देखने को मिलती है। लेकिन ये डिजाइन ही कुछ कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये सभी लोगों के लिए नहीं है। ये चीज कुछ कुछ लोगों को ईयर में प्रॉब्लम भी दे सकती है, और ये सेम एक्सपीरियंस मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है जिसका नाम है चंदन जी, जिन्होंने मुझे ये रिव्यू करने के लिए भेजा हुआ है। तो ये जो पार्ट है ये प्रॉब्लम वाला है, जो सबके कान में फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे डिजाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को दोनों साइड छोटी छोटी कैप्सूल देखने को मिलती है, जहाँ पे एक साइड में एक कैप्सूल पे सिर्फ JBL का ब्रांडिंग है और दूसरी कैप्सूल में सारे के सारे कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि वॉल्यूम प्लस माइनस बटन है और चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, माइक देखने को मिलता है, LED नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिलती है, सेंटर बटन को प्रेस करने से पेयर मोड में चले जाते हैं, और यहाँ पे अगर रेड लाइट है तो रेडी टू पेयर दिखाएगा, ब्लू लाइट है तो ये पेयर्ड दिखाएगा। तो यहाँ पे ये जो बीच का पार्ट है इसको निकाल सकते हैं और सिर्फ ईयर टिप को रख के भी इस ईयरफोन को यूज कर सकते हैं। की फीचर्स में देखेंगे तो ये स्वेट प्रूफ है, वायरलेस है, विथ माइक मिलता है, सॉफ्ट ईयर टिप्स देखने को मिलती है, मैग्नेटिक ईयरबड्स है, फ्लिप हुक देखने को मिलता है और ट्विस्ट लॉक टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है और वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। इस ईयरफोन की प्राइस है 1999। और चलिए अब देखते हैं कुछ प्रोज और कॉन्स। तो साउंड क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिलती है, बेस काफी अच्छा सुनने को मिलता है, इसको आप 2 घंटे तक पहन सकते हैं। और जैसे मैंने बताया यही चीज एक प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि हम लोग कॉन्स में बात करेंगे। सेंटर का बटन है, उसको हम लोग वॉइस असिस्टेंट के लिए यूज कर सकते हैं, उसके बाद प्ले पॉज के लिए यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट सॉन्ग और प्रीवियस सॉन्ग के लिए भी उसी को यूज कर सकते हैं। वॉइस कॉल करने के टाइम पे भी हम लोग को कोई इश्यू नहीं होता है, 1.5 घंटा चार्जिंग को टाइम लेता है और 6 घंटे के आसपास हम लोग इसको यूज कर पाएंगे। नॉइस कैंसलेशन काफी अच्छा देखने को मिलता है, इसको हम लोग ड्राइविंग के टाइम पे यूज कर सकते हैं, लेकिन ये राइडर के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि चंदन जी ने इसी रीजन से इसको परचेस किया हुआ था और ये सभी लोगों के लिए नहीं है, ये सभी लोगों के कान में फिट नहीं होता है। क्योंकि अगर आपने इसको पहना हुआ है और उसके ऊपर हेलमेट पहना हुआ है तो ये ज्यादा प्रेस हो जाएगा और इसको ज्यादा टाइम तक आप यूज नहीं कर पाएंगे, तो ये ज्यादा ही अनकंफर्टेबल हो जाएगा, तो ये सभी लोगों को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। उसके बाद कॉन्स देखते हैं। यही चीज है कि ये सभी लोगों के लिए नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर कान की साइज थोड़ी सी छोटी है, आपको ईयर टिप्स चेंज करके देखनी पड़ेगी कि फिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर फिक्स नहीं हो रहा है तो इसको ज्यादा टाइम तक आप नहीं पहन पाएंगे और ये बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाएगा और आपको कान में पेन होता ही रहेगा। तो ये इसका एक कॉन है। इसको छोड़ के प्राइस के हिसाब से ये काफी अच्छी प्रोडक्ट है, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, म्यूजिक आउटपुट काफी अच्छा है, पेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो फंक्शन बेसिक हम लोग को मिलते हैं वो भी काफी अच्छे काम करते हैं। और अगर आप लोग इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहां तक ही था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही नए और एक्साइटिंग वीडियो हम लोग लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।